Hello, Assalamu alaikum. This is part 1 for lecture 12, and in this lecture we'll be discussing about two statistical techniques that are correlation and regression. First we'll be discussing about correlation. We have discussed a bit about what is correlation. Hamare paas koi bhi do variables hain aur hum dekhna cha rahe hain ki ek variable mein jo change hai आया उसका कोई रिलेशनशिप है दूसरे वेरिएबल में चेंज के साथ. ठीक है, एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल भी अगर चेंज हो रहा है, और ये यूजुअली कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी बेशुमार इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं. डिसकॉन्टीन्यूस या डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी जस्ट एक या दो दो या तीन बड़ी स्पेसिफिक सी वैल्यूज़ होती हैं. जैसे जेंडर है तो दो ही इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, मेल या फीमेल. ठीक है, तो ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है. कॉन्टीन्यूस वेरिएबल जैसे कि डिप्रेशन है, इसकी बेशुमार वैरायटी हो सकती है. ठीक है, तो दो कोई वेरिएबल कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स, उन दोनों का आपस में क्या आया कोई रिलेशनशिप है या नहीं, वो हमें जो जिस स्टेटिस्टिक से पता चलता है उसको हम कोरिलेशन कहते हैं. और कोरिलेशन का जो मैग्नीट्यूड जो स्टेटिस्टिकली पता चलता है हमें, कोरिलेशन का कितनी जो है वो मैग्नीट्यूड है, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट से पता चलता है. स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. और कोरिलेशन कोफिशिएंट की एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी उसके साथ एक साइन भी होता है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, जो कि हमें बताता है कि डायरेक्शन क्या है रिलेशनशिप की. पॉजिटिव कोरिलेशन ये होता है कि जब एक वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे डिप्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसके साथ साथ न्यूरोटिसिज्म भी इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं और दोनों का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक ही डायरेक्शन में रिलेशनशिप है, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है. नेगेटिव कोरिलेशन ये है कि एक वेरिएबल जब इंक्रीज होता है तो दूसरा उसके साथ साथ डिक्रीज होता है. यानी रिलेशनशिप तो ये भी है ना, बट ये क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव कोरिलेशन है. जैसे हम कहते हैं कि डिप्रेशन जब इंक्रीज होता है तो साइकोलॉजिकल वेलबींग डिक्रीज होती है. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. नो कोरिलेशन ये होता है, जीरो कोरिलेशन जिसको हम कहते हैं कि कोई रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल्स में. जिस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस और जेंडर, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, इंटेलिजेंस का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी में भी कम या ज़्यादा हो सकती है. कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होती है, और जितना ये 1 के करीब होती है उतना मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग होता है, उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है. अच्छा, कोरिलेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, दो वेरिएबल्स जो है वो को वेरी कर रहे हैं, एक साथ चेंज हो रहे हैं. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कॉज कर रहा है. यानी बेशक डिप्रेशन और न्यूरोटिसिज्म एक साथ वेरी कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन ने न्यूरोटिसिज्म को कॉज किया है, डिप्रेशन की वजह से न्यूरोटिसिज्म हुआ है, या न्यूरोटिसिज्म की वजह से ही डिप्रेशन हुआ है. ठीक है, इसमें कॉजेशन नहीं होती, ये सिर्फ हमें रिलेशनशिप के बारे में बताता है. अब जीरो कोरिलेशन की एग्जांपल में ज़्यादा मुनासिब ये होगा, जेंडर वाले एग्जांपल को आप छोड़ दें, कि हाइट एंड वेट इंटेलिजेंस. जैसे हाइट का इंटेलिजेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है. कम हाइट वाले लोग भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, हाई इंटेलिजेंस हो सकती है उनकी, ज़्यादा हाइट वालों की भी हो सकती है. इसी तरह वेट और इंटेलिजेंस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. वेट और हाइट का अलबत्ता डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जितनी हाइट ज़्यादा होती है तो वेट भी ज़्यादा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है. कोरिलेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ तीन टाइप्स बताई गई है, पियर्सन आर, स्पीयरमैन रो एंड बाइसीरियल कोरिलेशनशिप. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पियर्सन आर क्या है. ज़्यादातर आप जो अपनी रिसर्च में आपने शायद इस्तेमाल किया हो, मोस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है ये पियर्सन ही होता है. इसको जो जिसने डिवाइस किया था, जिस स्टैटिस्टिशियन ने सबसे पहले, कार्ल पियर्सन, उसके नाम पर इसको ये नाम दिया गया है. और इसका फुल नेम होता है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशनशिप. ये उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप लीनियर हो और वो दोनों वेरिएबल्स कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स हों. और इसका जो फॉर्मूला है उसमें हम हर स्कोर की जो मेन स्कोर से फासला है उसको हम कंसीडर करते हैं. इसलिए अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में आउटलायर्स हैं, यानी कोई ऐसे स्कोर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं मीन से, कोई एक या दो स्कोर ऐसे हैं जो कि बाकी डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं,
यानी मोस्टली लोगों ने अगर 1 से 15 तक स्कोर किया और किसी एक बंदे ने जो है वो 50 स्कोर कर लिया या 40 स्कोर कर लिया तो ये आउटलायर स्कोर हैं। तो अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में आउटलायर स्कोर हैं तो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर यूज़। लीनियर कोरिलेशन से मुराद है कि इस तरह का रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कि अगर उसको ग्राफ की शक्ल में हम शो करें तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आता है। इसके अंदर हम एक और कोफिशेंट कैलकुलेट करते हैं जिसे हम कहते हैं कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और इससे मुराद ये होती है कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स में उसमें दोनों वेरिएबल्स कितनी वेरिएशन कॉज कर रहे हैं स्कोर्स में, वेरिएबल एक्स कितनी वेरिएशन कॉज कर रहा है और वेरिएबल वाई कितनी वेरिएशन कॉज कर रहा है। ठीक है, आप सिंपली जो पियर्सन आर जो आर वैल्यू होती है उसको आप क्या कर देते हैं उसको स्क्वेयर कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर स्क्वेयर की वैल्यू आ रही है 0.81% सॉरी 0.18, तो इससे मुराद ये होती है कि 81% वेरियंस जो है वो ये दोनों वेरिएबल्स कॉज कर रहे हैं, बाकी 19% जो है वो एरर या चांस की वजह से आया है। स्पीयरमैन रो कोरिलेशन है और इसको चार्ल्स स्पीयरमैन ने डेवलप किया, इसको रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब आपका सैंपल साइज स्मॉल है और जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में आउटलायर्स भी मौजूद हैं और आपका जो डेटा है, यहाँ आप रिकॉल करेंगे आपने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़े थे नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, तो जब ऑर्डिनल फॉर्म में आपका डेटा हो मेजरमेंट हो तो उस सूरत में जो प्रेफर्ड कोरिलेशन की टाइप हम इस्तेमाल करते हैं वो स्पीयरमैन रो है। अच्छा, सीधे आ जाता है बाइसीरियल कोरिलेशन। बाइसीरियल कोरिलेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हो और दूसरा जो है वो डाइकोटमस वेरिएबल हो, लेकिन आर्टिफिशियल डाइकोटमस वेरिएबल। डाइकोटमस ये होता है कि जिसकी दो वैल्यूज़ हों। ठीक है, जैसे जेंडर है तो ये तो ट्रू डाइकोटमी है ना, यानी इसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं मेल या फीमेल, लेकिन कुछ जो वेरिएबल्स हैं उनको हम आर्टिफिशियली भी डाइकोटमस कर देते हैं। जैसे डिप्रेशन है तो हम इसको, वैसे तो इसकी बेशुमार वैल्यूज़ हो सकती हैं, बेशुमार स्कोर्स हो सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते अगर इसको डाइकोटमी में डिवाइड कर देते हैं कि हाई डिप्रेशन लो डिप्रेशन, तो इसकी हम डाइकोटमीज बना देते हैं तो ये एक आर्टिफिशियल डाइकोटमस वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बाइसीरियल कोरिलेशन की भी मजीद आगे टाइप्स हैं। एक है पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन, ये उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब डाइकोटमस वेरिएबल जो है वो क्या हो, एक ट्रू डाइकोटमस सॉरी ट्रू डाइकोटमस वेरिएबल है, तो उस सूरत में हम पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे जेंडर है तो एक ट्रू डाइकोटमस वेरिएबल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाई कोएफिशिएंट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दोनों ही वेरिएबल्स हमारे पास डाइकोटमस हैं लेकिन उनमें से एक जो है वो एटलीस्ट वो ट्रू डाइकोटमस है, यानी डिप्रेशन भी है और जेंडर भी है। जेंडर इसमें ट्रू डाइकोटमस है और जो डिप्रेशन है वो उसको आर्टिफिशियली डाइकोटमस हमने बनाया है, हाई एंड लो में डिवाइड किया है। अगर तो हमारे पास दोनों ही वेरिएबल्स आर्टिफिशियल डाइकोटमस हैं तो उस सूरत में हम टेट्राकोरिक कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं। ये आप जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, जब आप SPSS में एनालिसिस करने लगते हैं, तो उस वक्त आप फिर जज करते हैं कि आपने कौन सा वाला कोरिलेशन इस्तेमाल करना है अपने डेटा पर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका डेटा किस टाइप का है, आपका स्केल जो है वो डाइकोटमस है, कॉन्टीन्यूस है, पॉइंट बाई सीरियल है, फाई कोफिशेंट है, टेट्राकोरिक है, कौन सा है, उस लिहाज से फिर आप चूज़ करते हैं कि आपने कौन सा कोरिलेशन इस्तेमाल करना है।